हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी मेन सीरीज स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी चैप्टर 1, जिसका नाम है एनवायरनमेंट। ठीक है, कल हम लोग ने इसकी बूस्टर सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हमने इसके कीवर्ड्स की बात की थी। तो जितने भी कीवर्ड्स आए थे उसको हमने डिटेल में समझा था। आज हम लोग इस फुल चैप्टर को पूरा समझेंगे। और एनसीईआरटी हर स्टूडेंट्स को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें बहुत ही फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं जो कि याद रखना ज़रूरी होता है। तो कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स हों चाहे क्लास 7 के स्टूडेंट हों, सबको ये पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है, एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी होती है, उससे रिलेट करके वो आगे अपने कॉन्सेप्ट देते हैं। तो अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो इसमें एक स्टोरी दी है एक स्कूल की, जिसमें रवि एक लड़का है। वो क्या होता है कि छुट्टियों के बाद वो जब जाता है स्कूल, तो वो नोटिस करता है कि वहाँ पे एक प्लेग्राउंड होता था, और फिर वहाँ पर क्या हो गया है, वो हटा दिया गया है पूरा, और वहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बना दी गई, फ्लैट्स वगैरह बन गए। तो वो ये देखकर थोड़ा सा उसे वो क्या होता है, इमोशनल हो जाता है देखकर। उसके बाद ये चीज़ देखता है कि बहुत ही एक बड़ा प्लेग्राउंड था, जिसमें क्या थी, सॉफ्ट ग्रास थी देखने को मिलती थी, मैरीगोल्ड्स थे और बटरफ्लाइज मिलती थी देखने को, वो सब हट गए। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट। वो क्या करता है, अपने क्लासमेट से अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, उसे सब देखकर अफसोस लगता है। उसके बाद असेंबली में क्या होता है, जो प्रिंसिपल होती हैं वो भी बहुत अपसेट होकर कहती हैं कि देखिए किस तरह से इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, जब क्लास स्टार्ट होती है तो रवि टीचर से पूछता है कि मैम व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो वो मैम कहती हैं कि व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, जो भी आप अपने सराउंडिंग्स यानी कि अपने चारों तरफ जो भी आप देखते हैं वो सारा क्या है, एनवायरनमेंट है। तो रवि सोचता है कि सोचता है और कहता है कि इसका मतलब ये स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर, एक क्लासरूम में क्या हो सकता है, चारों तरफ ओपन फील्ड, वो सब कुछ हमारा एनवायरनमेंट है, यानी कि गार्बेज और हमारे दोस्त, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो टीचर कहती है यस, बिल्कुल सही कहती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्रिएट किए गए होते हैं नेचर के थ्रू, और कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं वो ह्यूमन मेड होते हैं, यानी कि जिसको इंसान लोग क्रिएट करते हैं। अब देखिए ये दोनों अलग अलग क्या हैं, नेचर के थ्रू जो क्रिएट किए गए हैं, मतलब माउंटेन्स यानी कि पहाड़ अगर हमें देखने को मिलते हैं, रिवर्स, ट्रीज, ये सब कोई इंसान नहीं बनाता है ना, ये सब ऑटोमेटिकली ये सब ग्रो करते हैं, ओरिजिन इनकी होती है, एनिमल्स होते हैं, तो ये ह्यूमन मेड नहीं होते हैं, तो ये क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। अदर्स आर मेड बाय पीपल, जो पीपल के थ्रू बनते हैं ये दूसरे टाइप के हो गए, जैसे रोड्स बनाते हैं, कार्स बनती हैं, क्लोथ्स, कपड़े, बुक्स वगैरह, ये सब जो ह्यूमन मेड होते हैं तो ये दूसरे टाइप का एनवायरमेंट हो गया। तो ये इस तरह का होता है। उसके बाद वो क्या कहती हैं कि आप लोग क्या करिए, एक लिस्ट बनाइए और उसमें दोनों टाइप के यानी कि क्रिएशन ऑफ नेचर और क्रिएशन बाय ह्यूमन बीइंग्स, इसकी लिस्ट बनाइए अलग अलग सेपरेट। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और वो एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें कौन कौन है, रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा, वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। व्हाई इज आवर एनवायरमेंट चेंजिंग, आस्क इकबाल। इकबाल होता है एक स्टूडेंट, वो पूछता है कि ये चेंज इन्वायरमेंट हो क्यों रहा है। तो मैम कहती हैं कि ये सारी क्या, इसकी वजह ये है कि हमारी नीड्स जो है इनकी वजह से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। और वो क्या है, दिन पर दिन क्या हो रहा है, हमारी नीड्स जो हो रही हैं वो बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हम जो हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग्स है, नेचुरल सराउंडिंग है, उसे हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसे ख़त्म कर रहे हैं और अपनी नीड्स फुलफिल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें दिया गया है टेबल में एनवायरमेंट के बारे में, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। एनवायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्या है, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो कि हमारी लाइफ को क्या करता है, सपोर्ट करता है। वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एयर जिसमें हम सांस लेते हैं, वी ब्रीथ, वाटर जो हम पीते हैं, और फूड वी ईट जो कि हम खाते हैं, एंड द लैंड वेयर वी लिव, लैंड जहाँ पे हम रहते हैं। तो ये बेसिक जो हमारी चीज़ें होती हैं इंसान को एक रहने के लिए, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है कौन, इन्वायरमेंट कराता है। उसके बाद हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, कैसे इसको चेंज कर रहे हैं, बात क्वेश्चन ये उठता है कि इस नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो चेंज कर रहे हैं। तो देखिए कार हम जो ह्यूमन के थ्रू बनी हुई वो क्या करती है, उससे धुआं निकलता है, तो उससे क्या होती है, एयर क्या होती है, पॉल्यूट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, एयर क्या है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट है जो कि
चेंज हो रहा है. वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज. लैंड पे क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज बन रही है. तो इस तरह से सब चेंज हो रहा है. उसके बाद है ह्यूमन बींग्स मेक कार्स मिल्स फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स. दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट. इस तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट को ह्यूमन बींग चेंज कर रहे हैं. अब आता है, अभी हमने पढ़ लिया एनवायरनमेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट. ठीक है, उसके बाद नेचुरल में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमने लास्ट क्लास सिक्स में पढ़ा था, लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर, उसको एक बार इन्होंने रिपीट किया है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा. अब देखिए मेन हम ये पढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एनवायरनमेंट के, जो कि क्वेश्चन भी आ सकता है. तो देखिए मेजर क्या कंपोनेंट्स जो होते हैं वो तीन होते हैं. ठीक है, 1, 2, 3 कौन कौन से, नेचुरल, ह्यूमन मेड और खुद ह्यूमन. अब देखिए कैसे होता है, अभी तक हम क्या समझ रहे थे कि नेचुरल और ह्यूमन मेड, लेकिन तीसरा ह्यूमन जो होता है वो इनडायरेक्टली जो होता है वो एनवायरनमेंट ही का एक कंपोनेंट ही होता है. किस तरह से, अभी हम इसको देखेंगे. तो देखिए फर्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वो है नेचुरल, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, नेचुरल में हमने बताया था लैंड यानी कि लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या होता है, लैंड होता है, ऊंचे नीचे होते हैं, या माउंटेन भी कह सकते हैं, उसमें उसमें वैलीज भी आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं. उसके बाद एटमॉस्फेयर यानी कि एयर वाला पार्ट, उसके बाद वाटर यानी कि क्या, हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं जिसे, वाटर बॉडीज, ओशन, लेक्स, रिवर, ये सब आता है. और फोर्थ कौन सा होता है, बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या होता है, लिविंग थिंग्स, यानी कि इन ये तीनों जो होते हैं जहाँ देखने को मिलते हैं, एक नैरो पैसेज जहाँ पे ये तीनों जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर. अब इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये हो गया एक कंपोनेंट यानी कि नेचुरल कंपोनेंट है, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो ह्यूमन ने क्रिएट किया हो, ये क्या है, नेचुरली बना हुआ है. सेकेंड ह्यूमन मेड आता है. ह्यूमन मेड में देखिए ह्यूमन मेड क्या क्या बनाते हैं, ये तो कोई भी बता सकता है. बिल्डिंग्स बनाते हैं, पार्क्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, इंडस्ट्रीज और मॉन्यूमेंट्स. ये क्या हो गया, ये जो एनवायरनमेंट हमें चारों तरफ देखने को मिलता है ये होता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. ठीक है, उसके बाद थर्ड देखिए ह्यूमन. देखिए हम जैसे कोई एक स्टूडेंट है, उसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ क्लास में क्या होगा, और भी स्टूडेंट होंगे, तो वो क्या होगा, एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट बन गया. तो ये हो गया एजुकेशनल एनवायरनमेंट, समझ में आ रहे हैं. ये एनवायरनमेंट ऐसा होता है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं. ठीक है, हम डेली लाइफ में हमारी लाइफ रूटीन होती है क्योंकि, इसलिए हम क्या करते हैं, ये एक इनटेंजिबल होता है जिसे हम फील कर सकते हैं. अब देखिए इंडिविजुअल भी एक हो गया, फैमिली में हम रहते हैं घर में, वो एनवायरनमेंट हो गया. कम्युनिटी होगी, कोई भी मान लिए जैसे यहाँ पर देखने में लग रहा है कि जैसे पंचायत टाइप लगी है, तो कोई भी कम्युनिटी हो सकती है. ठीक है, रिलीजन हो गया अलग अलग, जैसे यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, ये गिरजाघर, ये सारी चीज़ें हो गई रिलीजन, तो ये एक अलग कम्युनिटी हो गई. ये एक एनवायरनमेंट हो गया रिलीजियस एनवायरनमेंट, एक एजुकेशनल अभी हमने बताया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, और ये क्या हो गया, पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी कि जो इंडिया हमारा है पूरा, उसमें अलग अलग जो है क्या होती है, गवर्नमेंट होती है अलग अलग तरह से, तो पॉलिटिकल जो एक एनवायरनमेंट हो गया वो क्या हो गया, पॉलिटिकल सिचुएशन. तो इस तरह से ये एक ह्यूमन का हो गया और ये ह्यूमन मेड हो गया. अब देखिए ये तीन, ये कंपोनेंट तो हो गया मेन. अब हम आते हैं नेक्स्ट, देखिए बायोटिक और एबायोटिक, ये क्या होता है. जो अभी तक हमने तीन मेजर कंपोनेंट्स पढ़े थे, अब उनमें से क्या होता है, बायोटिक में वो आते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे, बायोटिक होंगे, और जो नॉन लिविंग पार्ट आ जाएगा एनवायरनमेंट का वो क्या होगा, एबायोटिक. इसे ध्यान रखिएगा. देखिए बायोटिक में लिविंग कौन आ सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स आ सकते हैं, ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या हो गए, बायोटिक हो गए. अब लैंड जो है, लैंड क्या है, एक एनवायरनमेंट का पार्ट है, लैंड क्या हो गया, लेकिन नॉन लिविंग है, तो ये किस में आएगा, एबायोटिक में आएगा, इसे ध्यान रखिएगा. उसके बाद हम आगे चलते हैं, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड, इसमें हमने बताया था कि किस तरह से जो नेचुरल सराउंडिंग्स है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारी नीड की वजह को फुलफिल करने के लिए. उसके बाद ये है, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, प्लेस हो, पीपल हो, थिंग्स हो, नेचर, जो भी हमारे चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, अभी हम पढ़ चुके हैं. वाइल
द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट में कौन से आ जाते हैं, बायोटिक और एबायोटिक दोनों आते हैं. ठीक है, यहाँ पर चाहिए तो लिख लिए. ये नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आते हैं, बायोटिक और एबायोटिक दोनों आते हैं. अब बायोटिक में कौन सा आएगा, जो लिविंग्स हैं यानी कि प्लांट और एनिमल्स आएंगे, प्लांट और एनिमल्स. और एबायोटिक में कौन आएगा, जो नॉन लिविंग है यानी कि लैंड्स आ जाएगी, लैंड्स एयर वाटर ये सब आ जाएंगे. ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स एक्टिविटीज क्रिएशन एंड इंटरैक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, उनके बीच की एक्टिविटीज होती हैं, क्रिएशन इंटरैक्शन होता है, ये सब क्या आता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच आता है. जैसे अभी हमने बताया था एजुकेशनल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनके बीच एक्टिविटीज़ होता है, एक रिलेशन बनता है एक दूसरे के बीच, तो वो एनवायरनमेंट क्या होता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है. अब देखिए एनवायरनमेंट जो होता है ये एक फ्रेंच वर्ड है, एनवायरनर. ठीक है, एनवायरनर का मतलब होता है नेबरहुड, आसपास का. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी हेडिंग, अभी हमने बताई थी नेचुरल और ह्यूमन मेड, अभी हम नेचुरल पढ़ते हैं. नेचुरल एनवायरनमेंट को हम डिटेल जब करेंगे तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर. इसमें एक लैंड वाला आ जाएगा लिथोस्फीयर, एक वाटर वाला आएगा हाइड्रोस्फीयर, और एयर वाला एटमॉस्फेयर, और फोर्थ क्या आएगा, तीनों का कॉम्बिनेशन बायोस्फीयर. तो देखिए एक एक करके पढ़ते हैं. लैंड वाटर एयर प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है, यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर. आप लोग अब तक जान ही गए होंगे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर ये सब क्या है, क्योंकि हम क्लासेस के फिफ्थ और सिक्स चैप्टर जो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ ये जो है इसको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, जिसमें कॉन्टिनेंट्स हर चीज बताई थी. तो देखिए लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमॉस्फेयर एयर, एंड बायोस्फीयर तीनों का कॉम्बिनेशन. अब देखिए लिथोस्फीयर क्या है, ये एक क्या होती है, सॉलिड क्रस्ट होती है, एक सॉलिड क्रस्ट होती है, या कहें कि एक हार्ड सख्त टॉप लेयर होती है अर्थ के ऊपर. ठीक है, जो हमें ऊपर से जैसे हम ग्लोब देखते हैं, ग्लोब ही हम देख सकते हैं, अर्थ तो देख नहीं सकते, तो हमें क्या होता है, एक ऊपर नीचे बहुत सख्त सी मोटी सी लेयर दिखाई देती है ब्लू पार्ट के अलावा, तो वो क्या होता है, वो लिथोस्फीयर होता है. अब उसमें क्या आता है, देखिए वो किसकी बनी होती है, रॉक्स और मिनरल्स की बनी होती है, रॉक्स चट्टाने और हिंदी में कहें तो खनिज. ठीक है, तो ये इनकी बनी होती है और कवर्ड होती है किससे, बहुत ही पतली लेयर्स ऑफ सॉइल. ठीक है, मिट्टी की बहुत ही पतली लेयर से वो ढकी होती है. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर होती है, देखा होगा कहीं पे ऊंचा होता है, कहीं पे नीचा होता है. अब जो भी हमें ऊंची बॉडीज दिखाई देती हैं ग्लोब पे देखने को, वो क्या होती हैं, वो माउंटेन्स होते हैं, और जो नीचे धसी हुई पार्ट दिखाई देता है वो क्या होता है, वो हमारी वैलीज होती हैं, या फिर प्लेटूस कह सकते हैं, या फिर जो ओशन पार्ट होता है उसमें भी नीचे देखा होगा, उसमें भी क्या होती है, एक लिथोस्फीयर होती है, जिसके ऊपर वेजिटेशन सारी चीज़ें उगती हैं, और नीचे छोटी छोटी फिशर्स, वो वाला अगर आपने देखा हो फिगर कहीं पर डिस्कवरी वगैरह में तो ध्यान आ गया होगा, ब्राउन पार्ट जो दिखाते हैं ज़मीन का, वो क्या होता है, वो भी पार्ट लिथोस्फीयर में आता है. अब देखिए वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटूस, प्लेन्स, वैलीज, ये सब जो होता है मिट्टी वाला पार्ट समझ लिए एक तरीके से, वो क्या होता है, लिथोस्फीयर में आता है. माउंटेन्स, प्लेटूस, प्लेन्स, वैलीज एटसेट्रा. उसके बाद है लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स. देखिए ये सारी चीजें क्या होती है, सब तो कॉन्टिनेंट्स पे होती हैं. कॉन्टिनेंट्स हमने बताए थे कौन कौन से, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, ये सब क्या थे, कॉन्टिनेंट थे लास्ट हम लोगों ने क्लास सिक्स में पढ़ा था. तो इन पे जो जितना लिथोस्फीयर वाला ये सब चीज़ें होती हैं वो तो आता ही है लिथोस्फीयर में, उसके साथ ही जो ओशन यानी कि वाटर बॉडीज में जो ओशन फ्लोर्स होते हैं, जो नीचे जो ज़मीन होती है, वो भी किस में आती है, लिथोस्फीयर में आती है. अब देखिए लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट. लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग. ठीक है, चरने के लिए क्या होता है, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें एनिमल क्या करते हैं, फूड अपना खाते हैं. लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए क्या प्रोवाइड होती है, हमें लैंड प्रोवाइड करती है. एंड ह्यूमन सेटलमेंट, और ज़मीन पे ही हम रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. इसमें क्या होता है, ज़मीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी देखने को मिलती है, जो हम खुदाई कर करके निकालते हैं और चीज़ें अपनी बनाते हैं. एल्युमिनियम हो, कुछ भी हो, कोल हो, ये सब कहाँ में मिलता है, ज़मीन के नीचे यानी कि लिथोस्फीयर में मिलता है. तो ये किसका है, बहुत ही रिच सोर्स होता है. तो ये देखिए
डोमेन्स ऑफ द, एक बार ये फिगर देख लीजिए, इसमें देखिए एटमॉस्फेयर वाला पार्ट दिखा रहे हैं ये ब्लू वाला, और हाइड्रोस्फेयर ये जो वाटर वाला पार्ट दिखा रहे हैं हाइड्रोस्फेयर हो गया, और ये लिथोस्फेयर जहाँ पे हाउस बने हैं या और यहाँ पर क्या है ग्रास वगैरह दिख रही है, लिथोस्फेयर हो गया, और ये एक सर्कुलर इन्होंने पार्ट दिखाया है, ये बायोस्फीयर है जहाँ पर तीनों जो होते हैं आपस में लाए कर रहे हैं एक दूसरे से, यानी कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर वाटर पार्ट यानी कि हाइड्रोस्फीयर देखने को मिल रहा है, और माउंटेन्स यानी कि बायोस्फीयर भी देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा अभी हाइड्रोस्फीयर के बारे में देखते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, वाटर पार्ट जो होता है वो किस क्या कहलाता है हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक। अब वाटर बॉडीज में कई सारी आती हैं, नदियाँ आती हैं, झील आती हैं, रिवर्स लेक, समुद्र आता है, सीस ओशंस वगैरह आते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। द एटमॉस्फेयर, अब आते हैं एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर, क्या होती है एटमॉस्फेयर में एक पतली लेयर होती है एयर की, दैट सराउंड्स द अर्थ, जो अर्थ के चारों तरफ रहती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, ग्रेविटेशनल फोर्स एक लगता है जो जो एटमॉस्फेयर को अर्थ के चारों तरफ उसे रोके रखता है, बांधे रखता है, ठीक है, वरना वो क्या गैसेस इधर उधर उड़ जाए स्पेस में, लेकिन वो हमारे चारों तरफ कवर्ड रहती हैं अर्थ के चारों तरफ, किस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ये क्यों ज़रूरी है, ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं किससे, हार्मफुल रेस से, और स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, जो सन के अगर ये ना हो तो सन की हीट हम लोग बर्दाश्त ना कर पाए, जल भुन जाए एकदम, ठीक है, और जो बहुत ख़राब रेजेस आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट होती है यानी कि धूल होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। द चेंजेस इन द एटमोसफियर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, जब एटमोसफियर में चेंज आता है तो क्या होता है हमारे क्लाइमेट और वेदर में भी चेंज आता है। देखिए वेदर जो होता है ये शॉर्ट टर्म होता है, क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, ये डिफरेंस होता है। और क्या होता है कि चेंजेस में आ गया होगा किस तरह से चिमनी उमनी से इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है तो वो पॉल्यूट करता है, तो इन सब से क्या होता है हमारी क्लाइमेट कंडीशन वेदर कंडीशन भी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आए दिन ग्लेशियर जो होते हैं वो बस्ट करते रहते हैं, कुछ भी ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें क्या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। अब देखिए प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, अब बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर अभी तो हमने बताया था कि क्या होता है तीनों जहां पर लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों जहां पर लाए करते हैं वो क्या होता है बायोस्फीयर होता है। अब क्या होता है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, प्लांट और एनिमल किंगडम आता है, ठीक है, ये किंगडम का मींस क्या होता है कि एनिमल तो बहुत सारे होते हैं तो उनका एक हायरार्की, एक पूरा उनका एक क्लासिफिकेशन होता है, उसे हम किंगडम कहते हैं एनिमल किंगडम। उसमें प्रॉपर एक बताया है कि इस क्लास के अंदर इतने ये वाले एनिमल्स, इस क्लास के अंदर ये वाले एनिमल्स, इसी तरह प्लांट्स का भी होता है। तो ये दोनों का जो किंगडम होता है ये क्या बनाता है मिलकर, ये बायोस्फीयर बनाता है या फिर एक लिविंग वर्ल्ड बनाता है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू द सपोर्ट लाइफ, एक नैरो जोन होता है अर्थ का जो कि जिसमें लैंड वाटर एयर आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अब देखिए इकोसिस्टम आता है, एक होता है एनवायरनमेंट, एक होता है इकोसिस्टम, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, आज क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। इकोसिस्टम क्या है, इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। देखिए क्या होता है कि हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि इन्वायरमेंट है हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो सारा इन्वायरमेंट है, अब क्या होता है कि किस तरह से इन हमारे उनके बीच कुछ ना कुछ क्या होता है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा होगा या फिर कुछ ना कुछ मटीरियल ट्रांसफ़र हो रहा होगा, तो फिज़िकल केमिकल फैक्टर्स ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे पे जो डिपेंड करती है एक दूसरे से रिलेट कराती है वो सारा कुछ क्या होता है इकोसिस्टम के अंदर आता है। अब इसको और डिटेल में समझते हैं, पहले ये स्टोरी देख लेते हैं। इन्होंने इकोसिस्टम के लिए एक स्टोरी बताई है, एक एनसीसी कैंप में रवि जो होता है वो अटेंड करता है और वो वहाँ पे क्या होता है बहुत अच्छी बारिश हो रही होती है, डाउनपोर मतलब बहुत ही तेज़ बारिश, यानी कि जिसे मूसलाधार बारिश कहते हैं वो, तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही होती है, तो वो कहता है कि मुझे कहाँ की मेरे होम केरला की याद दिला दी। केरला में क्या होती है बहुत ही तेज़ अच्छी बारिश हो रही होती है, क्योंकि वो साउथ एकदम कोस्ट होता है ना, यहाँ पे केरला है तो यहाँ पर कोस्टल एरियाज में खूब अच्छी बारिश होती है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स
ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन. वहाँ का ऑब्वियसली वहाँ का क्या है, ग्रीन फील्ड्स बहुत अच्छा है, ग्रीनरी, कोकोनट वहाँ पर प्लांटेशन होता है, नारियल के बहुत अच्छे देखने को मिलता है. उसके बाद हीरा कहता है कि वो हीरा कहाँ का है, जैसलमेर का है, जैसलमेर राजस्थान में. तो वहाँ क्या होता है, वहाँ तो एकदम ड्राई होता है वहाँ का क्लाइमेट, यानी कि वहाँ पे क्या है, डेजर्ट वगैरह है. वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड. कीकर होता है बबूल, बबूल के पेड़, उसको कीकर कहते हैं. जो कहता है कि यहाँ पे बारिश नहीं होती, बस कीकर और मिट्टी सैंड देखने को मिलती है. और उसके बाद कहता है वहाँ पे कैमल्स भी मिलते हैं, क्योंकि डेजर्ट में क्या होते हैं, कैमल्स होते हैं. अब इसको भी एक बार देखेंगे इमेज को, पहले से स्टोरी को पूरी कर लें. हीरा कहता है नॉट जस्ट कैमल, सिर्फ कैमल्स ही नहीं, वहाँ पर क्या होता है, डिजर्ट भी देखने को मिलता है, स्नेक्स, लिजर्ट वगैरह और बहुत सारे इंसेक्ट भी देखने को मिलते हैं. अब रवि सोचता है कि ऐसा क्यों होता है कि कहीं पर एनिमल्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं, मतलब कहीं पर कोई एनिमल्स, कहीं पर किसी की होम में, जैसे राजस्थान है या फिर केरला है, कहीं कोई और टाइप की वेजिटेशन है, वहाँ पर कुछ अलग सा रहन सहन है, वहाँ पर दूसरी तरह से, तो प्लेस टू प्लेस वैरी कर रहा है. तो ऐसा क्यों होता है, ये आपस में किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वो ये सोचता है रवि. ओ यस वेरी मच सर, द टीचर रिप्लाइड. अब देखिए पहले इसको एक बार देख लेते हैं, ये क्या है, इको सिस्टम है किसका, पौंड का. ये पॉन्ड इकोसिस्टम है, इसमें क्या है, देख रहे हैं यहाँ पर ट्रीज हैं, ग्रास है इधर, ये डियर्स हैं, काउस हैं, ये सब क्या ग्रेजिंग कर रहे हैं, ये वाटरफॉल है, ठीक है, और यहाँ पर ये डक हैं, और ये क्या है, फ्लावर्स हैं, लोटस. तो ये सब क्या है, एक पॉन्ड कंप्लीट एक सिस्टम है पूरा. ये लोग आपस में डिपेंड हैं, आपस में डिपेंडेंट हैं, और ये एक दूसरे की जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं. ये एक बैलेंस बना हुआ है, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं. इसको भी अच्छे से समझेंगे. तो ये एक पॉन्ड का दिखाया है, तो ये क्या है, पॉन्ड इकोसिस्टम है. अब हम आगे देखते हैं, ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. जो प्लांट्स एनिमल ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इंटरडिपेंडेंट होता है मतलब कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करते हैं, इसे कहते हैं. दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम. अब देखिए शॉर्ट में अगर इकोसिस्टम को जानना है तो वो क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, एक तो दो जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं. इसके साथ ही दोनों जो हैं अपने अपने सराउंडिंग्स से भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे उस वैसे भी डिपेंड है. अपने अपने सराउंडिंग्स पे तो डिपेंड कर ही रहे हैं, यानी कि इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं, इसके साथ ही एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं. ये पूरा कंप्लीटली जो कहलाता है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये कहलाता है इकोसिस्टम, ठीक है. तो ये समझ में आ गया इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है. जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, इसके चारों तरफ का इन्वायरमेंट, ये क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये इस पे डिपेंड कर रहा है. अब दो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका अपना अपना इन्वायरमेंट है, और ये दोनों एक दूसरे पे भी डिपेंड कर रहे हैं, और एक दूसरे को नीड को फुलफिल कर रहे हैं, प्लस बैलेंस बना हुआ है, एक बैलेंस बना हुआ है. अभी बैलेंस क्या है ये आगे समझाएंगे. तो ये पूरा कंप्लीटली क्या है, इकोसिस्टम है. अब देखिए इसमें आगे क्या दिया है, ज्ञान इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड. अब देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है. जैसे एक पॉन्ड दिखाया था अभी, पॉन्ड का इकोसिस्टम वो क्या था, एकदम बैलेंस था. अगर एक भी चीज वहां से हटेगी तो दूसरे को इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज हो जाती है. लार्ज रेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट माउंटेन्स लेक रिवर ओशन इवन अ स्मॉल पॉन्ड, इन सबका क्या होता है, अपना अपना एक इकोसिस्टम होता है जहां पे बैलेंस बना रहता है. अब देखते हैं आगे क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट. ये तो हो गया नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, यहाँ पे हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ लिया, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी पढ़ ली. अब आते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट पे. देखिए ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. क्या होता है कि हम लोग एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट तो करते हैं, और क्या करते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई भी करते हैं, उसे चेंज करते हैं. अर्ली ह्यूमंस अडैप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग. जो इनिशियली जो ह्यूमंस थे वो क्या थे, वो नेचुरल सराउंडिंग्स उनके चारों तरफ थी. दे लेड अ सिंपल, वो एक सिंपल लाइफ जी रहे थे और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे थे जो भी उनके चारों तरफ होता था उससे. जैसे डियर्स दिखते थे तो वो क्या करते थे, हंट करते थे और उनका फूड बना के खाते थे, और उन्हीं के जो खाल स्किन होती थी उसी को पहनते थे. तो इस तरह से वो जो भी उनके चारों तरफ था उससे वो अपना पूरी जिंदगी चला रहे थे.
टाइम क्या हो गया, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें ग्रो की, उनका दिमाग क्योंकि डेवलप हुआ तो चीजें आइडियाज आए, उस तरह से वो चेंज होती चली गई। कैसे भी सबसे पहले क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया, एक व्हील बनाया, व्हील बनाया, अभी आते हैं उस पर। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे उनका डेवलप दिमाग हुआ, उन्होंने क्या किया, क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया। जो जो वो होते थे एनिमल्स होते थे, उनको डोमेस्टिकेट यानी कि उनको पालना शुरू कर दिया, उनको यूज़ करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में। उसके बाद व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद उन्होंने फूड को बनाना शुरू कर दिया। बार्टर सिस्टम आया, बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम में ये होता है कि समझ लीजिए जैसे अभी इकॉनमी चल रही है, मार्केट चल रहा है, उस टाइम पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। इसमें होता था कि जैसे ये एक बार्टर सिस्टम है, इसमें बिना मनी के यूज़ किए हुए एक दूसरे के गुड्स जो होती थी वो एक्सचेंज की जाती थी, उनका ट्रेड होता था। कैसे कि जैसे मान लो हमारे पास गेहूँ है, किसी और के पास क्या है, कुएँ का पानी, तो हमें कुएँ का पानी चाहिए, उसको गेहूँ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आपस में अमाउंट एक लेकर उसे एक्सचेंज कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होता था, ये एक ट्रेड टाइप का होता था। ट्रेड स्टार्ट हुआ, कॉमर्स डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल, चीज़ें जो हो गई बढ़ती चली गई, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया, तेज़ी से बढ़ गया। उसके बाद इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्किंग वाला जो रिवोल्यूशन आई, तो वो सारी पूरी वर्ल्ड जो है वो स्पीडी वे में चलने लगी। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटर। अब देखिए जो हम बात कर रहे थे कि एक बैलेंस बना रहता है वो किस तरह से होता है, इससे समझ में आ जाएगा। हैव यू, आपने कभी सोचा है कि आप जो गर्म में, जैसे गर्मियों के दिनों में वाटरमेलन कितना पसंद करते हैं खाना, जिसमें जूसी टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं या फिर वेजिटेबल्स होते हैं, खीरा है वगैरह, ये सब चीज़ें पसंद करते हैं खाना। हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, और सर्दियों में क्या मूँगफली, गर्म गर्म मूँगफली खाना पसंद करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उस टाइम पे वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं थ्रू नेचर के थ्रू। तो ये क्या होता है, ये एक परफेक्ट बैलेंस बनाए, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में एक परफेक्ट बैलेंस बनाए कि अभी मान ली अगर समर सीज़न है तो हमें ऐसी चीज़ें नेचुरल के थ्रू प्रोवाइड होंगी, प्रोवाइड करेगा नेचर, जो कि हमें ज़रूरत है, जूसी चीज़ों की ज़रूरत है गर्मियों में। तो हमें क्या मिलेगा, खीरा ककड़ी मिलेगी, वाटरमेलन मिलेगा, ये सब चीज़ें मिलेंगी आजकल जैसे। और सर्दियों में क्या होगा, मूँगफली मिलेगी, गर्म गर्म चीज़ें मिलेंगी, ताकि हमारा हम जी सकें, अच्छे से प्रॉपर रह सकें। तो इस तरह से जो नेचुरल क्या है कि एक बैलेंस बना हुआ है ह्यूमन और नेचुरल इन्वायरमेंट के बीच, ठीक है। तो ये जो होता है, ये पूरा सब कुछ किस में आता है, इकोसिस्टम के अंदर भी आता है। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वे। ह्यूमंस को चाहिए कि वो अच्छे से जिएं और अपने इन्वायरमेंट को पीसफुली यानी कि बहुत अच्छे से सही से यूज़ करें, उसको डिस्ट्रैक्ट ना करें, उसको डिस्ट्रक्शन उसका ना करें। तो ये ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। हम देख लेते हैं इधर कुछ, देखिए ये जैसे है काम का, देखिए 5 जून जो होता है एवरी ईयर, ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसमें सुना होगा आपने क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, पौधे लगाते हैं। तो ये 5 जून ये डेट है। एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर फिनिश हो जाए पूरा। अब देखिए व्हाट इज एन इकोसिस्टम, अभी हमने बताया था इकोसिस्टम क्या होता है। ह्यूमन बीइंग्स जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, अपने एनवायरनमेंट से, पहले तो ह्यूमन बीइंग्स जो होती हैं अपने एनवायरनमेंट से डिपेंड करती हैं, अपने एनवायरनमेंट डिपेंड करती हैं, उसके अलावा एक दूसरे पे भी यानी कि एक दूसरे पे भी डिपेंड करती हैं, अब उनकी नीड्स फुलफिल करती हैं, एक बैलेंस बनाए रखती हैं। इसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, अभी हमने बताया था नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है, सारा आता है कि लिथोस्फीयर, प्लांट्स और लैंड, ये सब सारी चीज़ें आती हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में। विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, अभी हमने बताया था एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, 3 हैं, यानी कि एक नेचर, दूसरा ह्यूमन, और तीसरा, थर्ड कौन सा है, ह्यूमन मेड, जिसमें ब्रिजेस, रोड्स वगैरह आ जाता है, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट्स हो गए। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड के 4 एग्जांपल्स देना है। तो एक हो गया रोड हो गया, दूसरा हो गया ब्रिजेस, थर्ड हो गया मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, फोर्थ हो गया इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये हो गया 4। व्हाट इज लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर क्या होता है, एक सॉलिड क्रस्ट लेयर होती है हमारी अर्थ के ऊपर, जिस जो रॉक और मिनरल्स की बनी हुई होती है, और इसके ऊपर क्या होता है, एक थिन लेयर होती है मिट्टी की, सॉइल की। तो ये हमारा लिथोस्फेयर हो गया, जिस पे हम रहते हैं और जिस पे ग्रास वगैरह होती है, और एग्रीकल्चर के लिए हमें लैंड प्रोवाइड
कराती है। विच आर द टू मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोटेक एनवायरमेंट। बायोटेक में क्या था, जितने भी लिविंग जो होते थे लिविंग, वो होते थे हमारे बायोटेक एनवायरमेंट में, यानी कि एनिमल और प्लांट, ये आएंगे बायोटेक में। वॉट इज बायोस्फियर, बायोस्फियर बताता है एक नैरो पैसेज होता है जिसमें लिथोस्फियर, एटमोस्फियर और हाइड्रोस्फियर क्या होती हैं, तीनों लाई करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, देखिए डेजर्ट जो है नेचुरल है, एक्वेरियम जो होता है वो नेचुरल नहीं होता, बनाया हुआ होता है, फॉरेस्ट भी क्या होता है नेचुरल होता है, एक्वेरियम बनाया हुआ होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक पॉट लाते हैं उसमें फिशेस डालते हैं, वहां पे छोटी छोटी हम लोग वो स्टोन्स डालते हैं और उस टाइप का कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक नेचुरल क्या होता है, वो हमें पॉन्ड और ओशन में मिलता है, उसको हम बनाते हैं एक्वेरियम जिसे हम कहते हैं, तो वो एक नेचुरल नहीं हुआ, ह्यूमन मेड हुआ। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, कंपोनेंट नहीं है ह्यूमन एनवायरनमेंट का, कौन सा नहीं है, लैंड नहीं। लैंड क्या है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट है। रिलीजन, कम्युनिटी, एजुकेशनल, ये सब किस में आएंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट में आएंगे। विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है, रोड है। रोड अभी हमने बताए थे जो ह्यूमन बनाए, ये माउंटेन्स थी क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। विच इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट क्या है इनमें से, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है वो क्या है, एक एनवायरनमेंट थ्रेट है। अब यहाँ पे मैचिंग करनी है, तो देखिए बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो पैसेज है, नैरो पैसेज है लैंड, वाटर और एयर जहाँ पे आपस में इंटरैक्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है, ये ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स अर्थ, अर्थ के चारों तरफ क्या है, एक थिन लेयर है एयर की, जिसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। हाइड्रोस्फेयर क्या है, वाटर बॉडीज है, डोमेन ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंट क्या है, आर सराउंडिंग्स, जो भी हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, एनवायरमेंट है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। जैसा भी आपको लगा फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं हम सेकेंड चैप्टर में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।